18वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों को तब भी इतना डर था कि दोबारा हमारे मंदिरों पर आक्रमण हो सकता है। हिस्ट्री में अहिल्याबाई होलकर का कंट्रीब्यूशन क्या है? अहिल्याबाई ने दो महत्वपूर्ण मंदिर बनाए, एक सोमनाथ जिस पर कितनी बार प्रहार हुआ और एक काशी। लेकिन क्या हमको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कितने छोटे प्लॉट में बना है? हमें मुगल ईरा बहुत डिटेल्ड में मिलता है कि ऐसे ऐसे ये टाइमलाइन रही मुगल ईरा की, लेकिन ये मराठाओं का कंट्रीब्यूशन या राजपूतों के बारे में वो एक या दो पेजेस में हो करके सिमट जाता है, ऐसा क्यों? जो वामपंथी हिस्टोरियंस हैं, जो अपने आप को बहुत महान हिस्टोरियंस माने जाते हैं, उनका उद्देश्य था कि भारत में जो आक्रमण मध्यकाल में हुए और मध्यकाल में जो शासन हुआ उसकी कठोरता को हटा देना सिलेबस से। दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यकाल की जो पुस्तक थी उसमें यही नहीं लिखा था कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन की हत्या करवाई, तो उन्होंने तो छुपाने के अलावा कुछ किया नहीं। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास डिस्टॉर्ट किया है? इनका ये उद्देश्य था, इतिहास लिखने का उद्देश्य था कि भी धर्म का इतिहास में कोई रोल नहीं है। जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनमें से आप मेरे को किसी का नाम बता दीजिए जिसने ये लिखा हो कि मंदिरों को तोड़ा गया। अगर धर्म का कोई इतिहास से कोई रोल नहीं था तो हर आक्रमण में मंदिरों को क्यों टारगेट किया? नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? आर्यन इन्वेजन थ्योरी आप कब से हमारे को पढ़ा रहे हैं, अब उस आर्यन थ्योरी जिसके ऊपर आपने इतना जहर उगला, आप मुझे बताइए कि आपने ठोस सबूत क्या पेश किया? गंगा जमनी तहजीब हम उनके गुण गाते हैं, लेकिन मुगल बादशाहों ने किसी ने नहीं कहा कि ये भारत हमारा वतन है। मुगल्स को इतना ग्लोरीफाई किया है। मैं ये नहीं कह रही कि राज में सिर्फ बुराइयाँ थीं, बट एटलीस्ट वी शुड नो, हाउ मेनी ऑफ अस नो कि भाई उनका वतन, उन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया में वतन है, हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। सो दीज आर फैक्ट दैट शुड बी ब्रॉट टू लाइट। मैम मैं कुछ इतिहासकारों का नाम लूँगी। जरूरी है? आप मना करेंगे तो मैं नहीं भी लूंगी। नहीं, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हमने काफ़ी उनको ठेस पहुँचा दिया। आरसी मजूमदार, आप इमेजिन करिए, आरसी मजूमदार, वेल रिकग्नाइज्ड हिस्टोरियन, आई विटनेस, पार्टिसिपेंट टू द फ्रीडम स्ट्रगल, जब उनकी पहली वॉल्यूम आई तो केंद्र ने कहा हम नहीं छापेंगे। नालंदा का डिस्ट्रॉय होना कितना बड़ा डेंट आप मानती हैं? देर इज नो डाउट अबाउट इट, इट वॉज अ ग्रैंड यूनिवर्सिटी, लेकिन वी नो कि कैसे उसको जलाया गया, भक्तियार खलजी, बट कश्मीर, तक्षशिला, there were so many other centers. We have a lot to be proud about, but a lot to be sorry about. अगर मैं आपसे पूछूं, who according to you are the pioneers of Indian history? जो temple restoration है, ये काम अहिल्याबाई होलकर ने भी किया था। उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि उनकी जो फोटो है वो भी दिखाते हैं कि हाथ में शिवलिंग लिया हुआ है, और वो कहाँ, मतलब महाराष्ट्र से ट्रैवल करके वो यहाँ पे आती हैं, काशी आती हैं और यहाँ पे मंदिर का रेस्टोरेशन करते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का रेस्टोरेशन किया, लेकिन हिस्ट्री में अहिल्याबाई होलकर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? अहिल्याबाई इज़ अ रिमार्केबल लेडी। हमको गर्व है कि इस देश ने अहिल्याबाई जैसी महिला को देखा। अहिल्याबाई के पति का देहांत हो गया था जब वो छोटी उम्र की थी, और उनके ससुर जो होलकर थे उन्होंने कहा अब मैं तुमको प्रशासन के तौर तरीके सिखाऊंगा और प्रशासन तुमको ही चलाना पड़ेगा। दिस सच अ मार्वलस, यू नो, स्टरिंग एग्जाम्पल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। और अहिल्याबाई होलकर की, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ हिस्ट्री एक लोगों में कैसे रहती है। अहिल्याबाई ने दो
महत्वपूर्ण मंदिर बनाए, एक सोमनाथ जिस पर कितनी बार प्रहार हुआ और एक काशी। अब सोमनाथ, अब ये उनके प्रांत से तो बहुत दूर थे ना, लेकिन उनको था कि ये जो मंदिर हैं ये हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने सोमनाथ पर मंदिर बनाया। और सोमनाथ पर जो उन्होंने मंदिर बनाया उसकी क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता ये थी कि लिंग ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था। जब हम जाते हैं तो मेन मूर्ति ग्राउंड फ्लोर पे होती है, उन्होंने लिंग को बेसमेंट में रखा और बेसमेंट तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी और एक या दो व्यक्ति से ज़्यादा बार में कोई नीचे नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों को तब भी इतना डर था कि दोबारा हमारे मंदिरों पर आक्रमण हो सकता है। इससे भी हमको कुछ सीखना चाहिए कि उनको क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे को इस देश के प्रति मेरा कोई कर्ज है, तो वो सोमनाथ मंदिर बनाती हैं। और दूसरा वो मंदिर बनाती हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ हम सब जाते हैं, लेकिन क्या हमको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कितने छोटे प्लॉट में बना है? 50 गज के प्लॉट पर काशी विश्वनाथ मंदिर बना है। काशी विश्वनाथ मंदिर बना है क्योंकि हमारे को एक मंदिर तो निर्माण करना है। हम ज्ञानवापी के खंडर में तो हमेशा पूजा नहीं कर सकते ना, वहाँ पे तो करेंगे ही, लेकिन हमको एक सेपरेट मंदिर भी बनाना है। तो 50 गज में वो मंदिर बनाती हैं। सो यू नो शी इज अ रिमार्केबल पर्सन एंड वी शुड बी प्राउड दैट वी हैव पीपल लाइक हर एज आवर एंसेस्टर्स। आपने एक और बात बोली थी कि मराठाओं ने एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका भारत के इतिहास में। आपने राजपूतों की बात करी, लेकिन जब हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं ना, तो हमें मुग़ल ईरा बहुत डिटेल्ड में मिलता है कि ऐसे ऐसे ये टाइमलाइन रही मुग़ल ईरा की। दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बहुत टाइमलाइन सारी डायनेस्टीज़ के बारे में रहता है, लेकिन ये मराठाओं का कंट्रीब्यूशन या मराठाओं पर जो हमें टेक्स्ट मिलता है किताबों में, सिलेबस में स्कूल के, या राजपूतों के बारे में, वो एक या दो पेजेस में हो करके सिमट जाता है। ऐसा क्यों है? और मराठास का इतिहास पढ़ना कितना ज़रूरी है। मराठास वहाँ से दक्कन से लाहौर तक पहुँच गए थे और मुग़ल बादशाह उनको बंदी बना लिया। तो आप इमेजिन करिए कि क्या इनकी मिलिट्री पावर थी। और जो हम काशी आज देखते हैं, काशी वॉज रीबिल्ट बाय मराठा एंड राजपूत कंट्रीब्यूशन। मराठास का कंट्रीब्यूशन कितना विशाल है, इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। 16वीं शताब्दी में काशी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन हम सब मानते हैं कि काशी हमारी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। तो आप इमेजिन करिए 16वीं शताब्दी में 6 परिवार दक्कन से आकर काशी आते हैं, 6 ब्राह्मण परिवार। अब काशी में कोई हिंदू राजा तो था नहीं कि उनकी स्वागत के लिए वेट कर रहा है और या उनको साधन दिए आराम से आने के लिए। इमेजिन 16 सेंचुरी में कितनी कष्ट कठिनाइयों के साथ ये काशी पहुँचे, क्योंकि उनको था कि हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए हमारे को काशी में होना ज़रूरी है। नोबडी हैड टू टेल अस व्हाट आर ड्यूटी वाज, किसी को हमको बताना नहीं था कि भी ये आपकी ड्यूटी है। समाज के हर वर्ग, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं और वर्गों के बारे में भी कभी बात कर सकती हूँ, तो ये महाराष्ट्रन ब्राह्मण आते हैं, सिर्फ 6 परिवार। और संस्कृत लिटरेचर धर्म के ऊपर इतने ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन मैं एक परिवार
के बारे में बताना चाहूँगी, भट्टा परिवार। भट्टा परिवार का बहुत एवरी मेंबर ऑफ दैट फैमिली वॉज वेरी डिस्टिंग्विश। नारायण भट्ट ने अकबर के दरबार के राजा टोडरमल को कहा कि विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनना चाहिए। तो जो मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा वो ये नारायण भट्ट ने बनाया था। ठीक है, तो इमेजिन करिए, दक्षिण से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे को मंदिर दोबारा बनाना चाहिए। न धन है, न साधन है, न कुछ है, लेकिन आप सोच देखिए। और नारायण भट्ट के ग्रेट ग्रैंडसन, उनका नाम था गगा भट्ट। गगा भट्ट, आप इमेजिन करिए, जब शिवाजी आगरा फोर्ट से दक्षिण वापस जा रहे थे, क्योंकि औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तो काशी में वो गगा भट्ट को मिलते हैं और गगा भट्ट उनको हेल्प करता है कि वो दक्षिण सुरक्षित पहुंच जाए। फिर गगा भट्ट दक्षिण जाते हैं, रायगढ़ जाते हैं और शिवाजी से मिलते हैं और वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि आप एक हिंदू राजा की तरह आपका ताजपोश हो, कॉरोनेशन एज हिंदू किंग। और वो कहते हैं कि वेदों के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, मैं जाऊंगा काशी वापस और वो पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा। तो वो प्रोसीजर बनाते हैं और वो खुद शिवाजी की कॉरोनेशन में हिस्सा बनते हैं। तो आप इमेजिन करिए, सब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अपनी सभ्यता धर्म से लगाव है और हमको पता है कि हमको क्या करना है। और इस परिवार के ग्रेट 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 ग्रैंडसन ने जनवरी 2024 में अयोध्या में राम लल्ला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। और अब कुछ हफ्तों पहले 87 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो देखिए, ऐसे परिवार जिनके हम नाम भी नहीं हमको याद, ऐसे इस भारत के कितने परिवार थे जिन्होंने ऐसा काम किया इस देश के लिए। मैम, आपको लगता है कि क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, तो बहुत क्लैरिटी के साथ एक डिवाइड है, जो हम कहते हैं एक लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं, एक राइट आइडियोलॉजी के हिस्टोरियंस हैं। ये दो डिवाइडेड, बहुत क्लियर डिवाइड है। तो जिस तरीके से आप चीज़ें आप अंडरलाइन कर रहे हैं या बता रहे हैं, या जो बातें हैं जो हिस्ट्री में हैं, टेक्स्ट में दी गई हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो लेफ़्ट हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास डिस्टॉर्ट किया है, और उनका नैरेटिव बहुत कन्विंसिंग और अट्रैक्टिव है आज के युवाओं के लिए? मेरे ख्याल से कन्विंसिंग है नहीं, लेकिन ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, ये दे वर द क्रीम ऑफ इंडियन एकेडमिया। वो इतना उनका योगदान है, उनकी इतने अध्ययन था, दे न्यू एवरी लैंग्वेज दैट दे वर्कड ऑन, हर चीज़ पे वो माहिर थे। उनमें डीसी सरकार, आरसी मजूमदार, एचसी रे चौधरी, इतने बड़े बड़े नाम, हम तो सिर्फ जादूनाथ सरकार और आरसी मजूमदार के नाम से परिचित हैं, लेकिन उनका तो कंट्रीब्यूशन कोई डाउट नहीं है। जादूनाथ सरकार ने आईने अकबरी पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दे वर सो मैनी, दे रिप्रेजेंटेड द क्रीम ऑफ इंडियन एकेडमिया। दे वर नॉट राइटिस्ट, दे वर नेशनलिस्ट। एंड नेशनलिस्ट डज नॉट मीन कम्यूनल। ये हमको अंतर हमेशा ध्यान रखना है। नेशनलिस्ट डज नॉट मीन कम्यूनल। और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, आप इनके ऊपर ये आरोप कभी भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने जानकर कोई पक्ष को छुपाया है या उसको तोड़ मरोड़ के सामने पेश किया है। अब प्रॉब्लम ये है, वामपंथी इतिहासकार, उनके बारे में आप ये नहीं कह सकते। एंशिएंट इंडिया के प्रोफेसर हैं, संस्कृत नहीं आती, ये आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में नहीं कह सकते।
देवर एपिग्राफिस, सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ सकते थे, दे न्यू पर्शियन, दे न्यू संस्कृत। लेकिन जो वामपंथी हिस्टोरियंस हैं, जो अपने आप को बहुत महान हिस्टोरियंस माने जाते हैं, तो उनको तो एंशिएंट इंडिया के हिस्टोरियंस से उनको संस्कृत नहीं आती थी। और दूसरी बात यह है, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि भारत में जो आक्रमण मध्यकाल में हुए और मध्यकाल में जो शासन हुआ उसकी कठोरता को हटा देना सिलेबस से। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी और दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यकाल की जो पुस्तक थी उसमें यही नहीं लिखा था कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन की हत्या करवाई। तो उन्होंने तो छुपाने के अलावा कुछ किया नहीं। क्यों छुपाया, क्यों छुपाना? क्योंकि ये हम सब मानते हैं कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ 1947। लेकिन ये भी सत्य है कि अधिकांश जिन लोगों ने पार्टीशन के लिए वोट किया वो पाकिस्तान गए नहीं, वो भारत में रह गए। तो जब वो भारत में रह गए, एक इतनी बड़ी समुदाय भारत में रह गई, तो इनका ये उद्देश्य था, इतिहास लिखने का उद्देश्य था कि भी धर्म का इतिहास में कोई रोल नहीं है। तो धर्म के रोल को आप हटा देंगे तो मध्यकाल की कड़वाहट आप हटा देंगे और आप क्या कहेंगे इतिहास में किस चीज पर जोर देना है? आर्थिक कारणों के इतिहास के वजह से इतिहास चलती है। तो आप इमेजिन करिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री में आप किसी भी इतिहासकार को, नेशनलिस्ट इतिहासकार को के ऊपर आप ये आरोप नहीं लगा सकते आपने ये चीज़ छुपाई। जैसा था हर चीज़ के ऊपर उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन मध्यकाल के और मतलब मध्यकाल में जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनमें से आप मेरे को किसी का नाम बता दीजिए जिसने ये लिखा हो कि मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि वो तो कार्यक्रम में है ही नहीं ना। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई धर्म का इतिहास से कोई, अगर धर्म का कोई इतिहास से कोई रोल नहीं था तो हर आक्रमण में मंदिरों को क्यों टारगेट किया, मंदिरों को क्यों टारगेट किया? अब आप कह रहे हैं कि मंदिरों को इसलिए टारगेट किया क्योंकि धन था वहाँ पे। एक मंदिर को तोड़ते जा रहे हैं, लोग बनाते जा रहे हैं, तब क्या धन दौलत रह गई थी उनके पास? सोमनाथ को 5, 6, 7, 8, 10 बार तोड़ा, लोगों ने दोबारा बनाए। जब मैं बोलती हूँ दोबारा बनाए तो छोटे छोटे मंदिर बनाए ना, वो विशाल मंदिर तो बना नहीं सकते थे, लेकिन वो भी आपने तोड़े। और मुझे ये बताइए, सन 2000 में बामियान बुद्धास को तालिबान ने ब्लो अप किया, वहाँ पे कोई धन दौलत थी? वहाँ पे उनकी पूजा हो रही थी। मूर्ति पूजा बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये छुपाना है। आपने बोला नेशनलिस्ट होना कम्युनल होना नहीं होता, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? नेशनलिस्ट का मतलब होता है, मैं इतिहासकारों की बात, बिल्कुल मैं इतिहासकारों की ही बात हूँ, एक नेशनलिस्ट, अगर कोई इतिहासकार अपने आप को नेशनलिस्ट बोलता है, मैं सेक्युलर के लिए भी पूछूंगी यही सवाल मैं आपसे सेक्युलर, कि अगर एक इतिहासकार अपने आप को नेशनलिस्ट इतिहासकार या नेशनलिस्ट हिस्टोरियन बोलता है और एक बोलता है कि मैं सेक्युलर हिस्टोरियन हूँ, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का मतलब है, उनका उद्देश्य था भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय नज़रों और भारतीय आवाज़ों के आधार पर लिखिए। कोई भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के ऊपर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने कोई कठोर अंग हमारे इतिहास का दबाया, जैसे उन्होंने देखा कोई अंग उन्होंने नहीं छुपाया। मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप ये बताइए कि भाई आरसी मजूमदार, डीसी सरकार, जादूनाथ सरकार, उन्होंने सरदेसाई कौन से उन्होंने छुपाए? कुछ नहीं छुपाया।
लेकिन सो कॉल्ड सेक्युलर, सेक्युलर आप बोलते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम इनलाइटेंड हैं, लेकिन जो सेक्युलर लेफ्टिस्ट एनलाइटेंड हिस्टोरियंस हैं उनकी जो हिस्ट्री है, एक तो वो टेस्ट ऑफ टाइम नहीं फेस कर सकी, और आपने छुपाया छुपाया छुपाया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी आप कब से हमारे को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है, ये कहने के लिए कि भाई भारत तो आक्रमण के बेसिस पे बना है, पहले आर्यन आए फिर ये आए फिर वो आए, तो यहाँ का कोई मूल निवासी नहीं है। अब उस आर्यन थ्योरी जिसके ऊपर आपने इतना जहर उगला, आप मुझे बताइए कि आपने ठोस सबूत क्या पेश किया, और अब जब दूसरी साइड जागरूक हो गई और उन्होंने कहा सबूत दीजिए, तब वो कह रहे हैं कि हम अपनी थ्योरी को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम इन्वेजन नहीं कह रहे, हम माइग्रेशन कह रहे हैं। तो कौन सा ये पॉइंट है जिसके ऊपर आप रिट्रीट नहीं किया? अब मध्यकाल में टेंपल्स के ऊपर, प्रहार के ऊपर किसी ने कुछ नहीं लिखा, अब ज्ञानवापी और मथुरा में जब एएसआई की खोज, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो एएसआई ने खोज की, उसमें जब प्रमाण सामने आए, तो प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा हाँ प्रमाण मिल गए, अब क्या करोगे? अभी तक तो आपने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पे मंदिर टूटा, अब जब सबूत आ गया है तब आप कह रहे हैं हाँ अब क्या करेंगे? मतलब अब भी चुनौती है कि अब हमको, अब ठीक है आपको सबूत मिल गया, अब आप क्या करोगे? सो माई सिंपल पॉइंट इज दैट सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव एनलाइटन लेफ्टिस्ट सेक्युलर हिस्टोरियंस, दे हैव बीन फाउंड टू बी प्लेइंग विद इंडियन हिस्ट्री। मैम मेरा जो सवाल एक और था इससे अटैच, ये जो नैरेटिव है सेक्युलर और लेफ्ट आइडियोलॉजी ओरिएंटेड हिस्टोरियंस का, ये क्या युवाओं को बहुत अट्रैक्टिव लगता है? क्यों कन्विंसिंग? क्योंकि बहुत सारे आजकल युवा अपने आप को लेफ्ट आइडियोलॉजी से बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत कनेक्ट करते हैं। देखिए हिस्ट्री के क्षेत्र में मैं उसी के बारे में कह सकती हूँ, अब सोशल मीडिया ने बच्चों को इतना प्रभावित किया है दैट इट इज़ अमेजिंग। अब लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस की वो स्टैंडिंग नहीं रही है, क्योंकि जो बच्चे अपना इतिहास ढूंढना पड़ चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो वामपंथी इतिहासकार को नहीं पढ़ते। ठीक है वो सिलेबस में हैं, लेकिन वो YouTube आपके जैसे चैनल्स के थ्रू अपना इतिहास जानते हैं। मैम मैं कुछ इतिहासकारों का नाम लूंगी, ये जरूरी है, जरूर मना करेंगे तो मैं नहीं भी लूंगी। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हमने काफी उनको ठेस पहुंचा दिया एक घंटे से। एक घंटे मैम हमने बहुत सब्जेक्ट कवर किया है। चलिए चलिए, और इस बार मैं नाम लेकर के आपसे कि आप अगर एक सेंटेंस में या आप अपना ओवरऑल होलिस्टिक भी अगर आप किसी कुछ बोलना चाहेंगे इनके जो काम है उनके लिए, रोमिला थापर। रोमिला थापर की विशेषता ये है कि वो प्राचीन भारत की हिस्टोरियन मानी जाती हैं, उनका बहुत नाम है, ना केवल भारत बट भारत के बाहर भी उनका बहुत सम्मान किया जाता है। लेकिन उनके बारे में मैं दो बातें कहूँगी, एक तो संस्कृत का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, और दूसरा आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर वो अपना स्टैंड बदल गई है। अथर अली हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने मध्यकाल में जो शासक वर्ग था उसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है, और वो अध्ययन बताता है कि मुगल पीरियड में जो शासक वर्ग था वो विदेशी मुस्लिम्स के हाथों में था। इरफान हबीब इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन रिकग्नाइज्ड रिस्पेक्टेड स्कॉलर। उनका मेन काम है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। उस काम से हमको पता चलता है कि जो साधारण किसान थे
पूरे मुगल पीरियड में किस तरह से उनका शोषण किया जाता था, उनके पास कुछ बचता नहीं था और तब भी उनको विवश किया जाता था कि आपको कर देना है। जब वो कर नहीं दे पाते थे, उनके बर्तन भांडे उनको कैद करके ले जाते थे और उनके बीवी बच्चे रोते रोते उनके पीछे जाते थे। तो एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इरफान हबीब का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और वो मुगल काल का असली रूप हमारे सामने लाता है। बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा ही इज़ फ्रॉम मॉडर्न इंडिया जी, सो आई डोंट थिंक एनीवन स्टडीज हिम नाउ। मुगल मॉडर्न इंडिया के पीरियड में मैं सोचती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण काम प्रोफेसर बिमल प्रसाद ने किया है। बिमल प्रसाद भी JNU के हिस्टोरियन थे और उन्होंने 3 वॉल्यूम में भारत के विभाजन की कहानी लिखी है, जिसका बिपिन चंद्रा इत्यादि मुकाबला नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सम्मान नहीं कर रही बिपिन चंद्रा। नहीं नहीं, आपने हर हिस्टोरियन, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने उनके पहले जो उनका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में आप बता रहे हैं, उसके बाद आप उनकी जो कमियां हैं या जो खूबियां हैं वो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अंडरलाइन करें। आर सी मजूमदार भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं जो आज भी हम पढ़ सकते हैं और इससे हम सीखेंगे। लेकिन आरसी मजूमदार के बारे में मैं एक बात आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी। आज़ादी के बाद ये प्रश्न उठा कि स्वतंत्रता के बारे में हमारे इतिहासकार कुछ लिखें, तो आरसी मजूमदार ने कहा कि मैं हिस्टोरियन हूँ और मैंने ये सब कुछ देखा है, मैं गवाह हूँ फ्रीडम मूवमेंट का, तो इसका इतिहास मैं लिखूंगा। तो केंद्रीय सरकार ने कहा ठीक है, और आरसी मजूमदार ने जब पहली वॉल्यूम सबमिट की तो केंद्रीय सरकार ने कहा हम इसको नहीं छापेंगे, हम आपके प्रोजेक्ट को नहीं सपोर्ट करेंगे, और ताराचंद जो ईरान में एम्बेसडर थे उनको बुला के ये काम उनको सौंपा। क्योंकि उस समय से भारतीय मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया रूप देना का प्रयत्न शुरू हो गया था। आप इमेजिन करिए, आरसी मजूमदार वेल रिकग्नाइज्ड हिस्टोरियन, आई विटनेस पार्टिसिपेंट टू द फ्रीडम स्ट्रगल, जब उनकी पहली वॉल्यूम आई तो केंद्र ने कहा हम नहीं छापेंगे। अपीजमेंट की पॉलिसी तभी शुरू हो गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या ही इज नॉट अ हिस्टोरियन एक्चुअली, मगर उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इमेंस रहा है। उनके बारे में मैं बहुत छोटी हूँ, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने देश को प्रेरित किया, क्योंकि जहाँ जहाँ एक नेशनलिस्ट बिल्कुल फिगर की बात आती है उनका ये जो वंदे मातरम जी, सो वी स्टिल रिमेम्बर हिम as one of the great sons of India and we remember him for Vande Mataram. मैं आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहूँगी जिनसे बहुत युवा आज भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, he remains a source of inspiration and rightly so. He is one of the persons freedom movement के मतलब उस दौर के एक व्यक्ति हैं जो अभी भी लोग को अट्रैक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एंड ही इज सच अ मोटिवेटिंग फिगर, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कमेंडेबल एज फार एज स्वामी विवेकानंद इज कंसर्न्ड। आपसे मैंने शो से पहले पूछा था कि आपको मैम लगता है कभी कि भारत में स्वर्ण काल गोल्डन ईरा वापस आ पाएगा, जिसके बारे में टाइम एंड अगेन बड़ा जिक्र होता रहता है। एज अ हिस्टोरियन मेरे ख्याल से अगर कोई गोल्डन पीरियड था तो वो प्राचीन भारत में ही था, क्योंकि तब हमारा धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कला, आर्ट सब कुछ कितना इवॉल्व हो गया था। लेकिन आज के हालात में मैं बिल्कुल
ये कह नहीं सकती कि वो युग वापस आएगा। मुझे लगता है वो बहुत पीछे छूट गया। मैंने हिंदू राष्ट्र के बारे में भी बात की थी कि ऐसा भी कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन क्लामर रहता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जैसे हर जहाँ जहाँ बहुल्य के जो रिलीजन के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग उनके कंट्री फंक्शन करती है, उनका देश फंक्शन करता है। चाहे हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना उचित रहेगा? उचित का तो आप भूल जाइए, संभव ही नहीं है, क्योंकि जिन देशों के बारे में आपने उनका नाम लिया उनके हालात और हमारे हालात बहुत फ़र्क है, और हमारे हालात एक्चुअली ख़राब होते जा रहे हैं। एक ज़माना था कि हिंदू शाही काबुल से राज करते थे, अब देखिए कितना हमारे को चारों तरफ हमारे पड़ोस में क्या क्या हो रहा है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी फॉर द टाइम बीइंग एट लीस्ट। नालंदा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहा है, एक ऐसा सेंटर रहा है जहाँ पे एकेडमिक एक्सेलेंस, लोग देश विदेश से पढ़ने आते थे, और एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उसको एक टाइम पे माना जाता था। उसका भी जो कोलैप्स हुआ जिस तरह से नालंदा, वो और जिस तरह से बना, जिस तरह से उभरा, भारत को वर्ल्ड मैप के टॉप पे ले करके आना, और बहुत चीज़ें क्योंकि हमेशा इतिहासकार भी बात करते हैं, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हैं, इतना रिसर्च भी हुआ है, ESI ने भी बहुत काम किया है, इसमें बहुत कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नालंदा का डिस्ट्रॉय होना कितना बड़ा डेंट आप मानती हैं इंडिया एज अ एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर? देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इट वॉज अ वेरी मेजर सेंटर, और चाइनीज वहाँ पर आए थे, ह्यून सैंग वगैरह कितने वर्ष वहाँ पर रहे, तो उनकी अकाउंट्स है कि क्या था नालंदा। एंड इफ यू गो टू द रूइंस ऑफ नालंदा टुडे यू कैन स्टिल हैव सम आइडिया ऑफ द ग्लोरी दैट वॉज नालंदा। नालंदा वी नो, और नालंदा के बिल्कुल बगल में एक म्यूज़ियम है, साइट म्यूज़ियम, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्या क्या मूर्तियाँ, क्या क्या कला और सील्स मिलेंगे जिस पे नालंदा लिखा हुआ है। सो इट वॉज, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इट वॉज़ अ ग्रैंड यूनिवर्सिटी, लेकिन वी नो कि कैसे उसको जलाया गया भक्तियार खलजी। अब जो इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है उसमें एक प्रयत्न किया जा रहा है कि भक्तियार खलजी ने तो जलाए नहीं, वो तो आपस में दो की लड़ाई थी तो उनकी वजह से जल गया, ये है री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, लेकिन नोबडी इज़ बाइंग दैट। हमारे को पता है कि नालंदा कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन नालंदा के अतिरिक्त उस समय या उससे पहले भी बहुत सारी विश्वविद्यालय थे जिनके बारे में अब हम भूल गए हैं, लाइक तक्षशिला। तो तक्षशिला बिहार से लोग जाते थे तक्षशिला शिक्षा लेने, और फिजिशियंस भी जाते थे, नो सो इट इज़ कश्मीर वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। तो ये कहावत थी कि जब कोई युवा अपनी शिक्षा आरंभ करेगा तो पहले 7 कदम वो कश्मीर की तरफ चलेगा, ये दिखाने के लिए कि मैं जो शिक्षा का केंद्र है उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, मैं नमन कर रहा हूँ, और फिर वो वापस आते थे। देयर वर सो मैनी सेंटर्स ऑफ लर्निंग, नालंदा वॉज सर्टनली वन प्राउड सेंटर ऑफ लर्निंग, बट कश्मीर, तक्षशिला, देयर वर सो मैनी अदर सेंटर्स, वी हैव अ लॉट टू बी प्राउड अबाउट बट अ लॉट टू बी सॉरी अबाउट। अगर मैं आपसे पूछूं, हु अकॉर्डिंग टू यू आर द पायनियर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री? पायनियर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज हिस्टोरियंस, या सो द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड सो मच। देखिए, उन्होंने प्रोफेसर अल्तेकर,
प्रोफेसर अलतेकर ने एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, सो देर आर सो मेनी पायनियर्स, के पी जायसवाल, हिंदू पॉलिटी, आर सी मजूमदार भी मैंशनड, देर सो सो मैनी, एच सी रे चौधरी, डी सी सरकार, दे आर पीपल हु आई स्टडी इवन टूडे टू अंडरस्टैंड द ग्रैंडर ऑफ इंडियाज पास. एच सी रे चौधरी, डी सी सरकार, मतलब कि यू नो डी सी सरकार वॉज एन एपीग्राफिस्ट ऑल्सो, ही हैड ट्रांसलेटेड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, बट ही रोट टू इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री विच हैव हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इंडिया सो मच. यू नो ऑल दीज हिस्टोरियंस, दे कुड रीड इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो, दे कुड रीड कॉइन्स, सो देयर रेंज, आई डोंट थिंक एनी वन कम्स नियर दैट रेंज. जो उनकी रेंज थी, मुझे लगता नहीं कि आज की पीढ़ी में कोई उनका मुकाबला करे. बिकॉज आई थिंक एज अ हिस्टोरियन दे लव्ड व्हाट दे वर डूइंग. यस, पैशन ड्रिवन, पैशन फॉर द सब्जेक्ट एंड पैशन फॉर द कंट्री, दोनों. एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी, एज अ हिस्टोरियन, ऐसे तीन फैक्ट्स, ऐसे तीन हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिसके बाद लोगों का हिस्ट्री को लेकर के पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाएगा. तो मैं प्राचीन भारत से शुरू करूंगी. हमको ये पता नहीं कि जो भारतीय संस्कृति सभ्यता थी, ये किसने बनाई, इसके निर्माता कौन थे. इसके निर्माता साधारण महिलाएं और पुरुष थी. अब मैं उदाहरण दूंगी, मथुरा. मथुरा के बारे में हम सबको नाम तो सुना है. तो मथुरा में हमारे को बहुत से अयाग पट्टाज मिले हैं. अयाग पट्टा मतलब टेराकोटा के प्लेट्स, जो आपके मोबाइल फोन से आधे साइज के हैं. और ये अयाग पट्टाज बोलते हैं होमेज पट्टाज, कि आप किसी की पूजा के लिए आप बनाते हैं, पेड़ के नीचे रखें, घर के नीचे रखें. 95 ऑफ द अयाग पट्टाज, दे वर डोनेटेड बाय विमेन. तो ये हमको शायद पता नहीं है कि अयाग पट्टाज मथुरा में 95% ऑफ देम वर डोनेटेड बाय विमेन. और जब मैं महिलाओं की का नाम ले रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कोई राजा महाराजा, साधारण महिलाएं जिनके पति कोई ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने ये अयाग पट्टाज बनाए. दूसरा मैं उदाहरण दूंगी उसी श्रेणी में, हम सब ने सांची का नाम सुना है, बहुत से लोग हम सांची में भी गए होंगे. सांची का जो स्तूप पहले अशोक ने बनाया, लेकिन उनके 100 वर्ष के बाद लोगों ने उसको बहुत बड़ा किया, और जो हम स्तूप देखते हैं आज, वो अशोक की 100 वर्ष के बाद बना है. सांची में हमको 631 शिलालेख मिले हैं. 631 शिलालेख हमको सांची पे मिले हैं, एंड केवल 3 शिलालेख किसी राजा या महाराजा का जिक्र करते हैं. और वो ये नहीं कहते कि डोनेट किया है, वो कहते हैं ये व्यक्ति उनके यहाँ काम करता था. तो 631 inscriptions which record donations to Sanchi, किसने डोनेट किए, कोई बैंकर है, कोई लेबर है. और एक गेट है वो अभी भी है वहाँ पे, उसकी कारीगरी विदिशा से हाथी दांत जो काम करते हैं आइवरी वर्कर्स, वो आए थे और उनको कहा था आप ये गेट बनाइएगा. तो वो गेट अभी भी है, गेट पर वो इंस्क्रिप्शन है. वो कहते हैं कि हम विदिशा से आए हैं ये गेट बनाने, और हम ये भेंट कर रहे हैं काशी, ये सांची को. सो इमेजिन, वेस्टर्न केव्स आपने सुना है महाराष्ट्र के इत्यादि, ऑल द केव्स, मोस्ट ऑफ द केव्स आर डोनेटेड बाय ऑर्डिनरी पीपल. एक मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, एक्का ड्राइवर. एक्का ड्राइवर मतलब रिक्शा, तो जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता था, तो उसने भी डोनेशन की है. और वो कहता है कि मैंने ये डोनेशन की है. ऐसे साधारण लोग, आइवरी वर्कर्स, हिंदुस्तान में
सबसे पहले सरस्वती की मूर्ति हमको कहाँ से मिलती है? वो मथुरा से मिलती है, हेडलेस है क्योंकि इतनी बार आक्रमण हुए, लेकिन उसके नीचे बेस पे इंस्क्रिप्शन है। और वो इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? वो कहता है, मैं एक लोहार हूँ और ये मैंने सरस्वती की पूजा मूर्ति डोनेट की है। सो मतलब कि दैट इज समथिंग। और हमको क्या पढ़ाया गया है कि भाई औरतों के ऊपर अत्याचार होता था, ऊंचे वर्ग नीचे वर्गों को दबाते थे, और भारतीय इतिहास सिर्फ संघर्ष और शोषण का इतिहास था। मध्यकाल से हमको बिल्कुल विपरीत मैसेज मिलता है। मथुरा में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बुद्धा का स्टैचू है वो राजा कनिष्क के टाइम बना था। राजा कनिष्क बुद्धिस्ट थे लेकिन वो उन्होंने नहीं डोनेट किया, वो एक भिक्षु की फैमिली थी, उनकी माँ और उनके परिवार ने वो स्टैचू बुद्धा का बनवाया। एंड दैट यू कैन सी इन मथुरा म्यूजियम इवन टुडे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर समाज में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये नहीं कि कह रही कि हमारी समाज में प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी, लेकिन हमारी समाज में हिस्ट्री के डेवलपमेंट्स के कारण हुई। कुछ युगों में हमारी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वी हैव प्रॉब्लम्स इन आर हिस्ट्री इन आर सोसाइटी, बट वी वर नॉट एन एक्सप्लॉइटिंग सोसाइटी, वी डिड नॉट टॉर्चर आर विमेन, वी गेव इक्वल प्लेस टू ऑल। लेकिन कुरीतियाँ हुई, उनका कारण हमको ढूंढना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी वो कारण है व्हेन पॉलिटिकल पावर हमारे हाथों से निकल गई देश के अधिकांश हिस्सों में, और उन लोगों के हाथ में गई जिनको इस सभ्यता संस्कृति से कोई लगाव नहीं था और जो अपना थोपना चाहते थे। लास्ट पॉइंट मैं कहूँगी, हम मुगल्स के बारे में आपने बहुत कहा और गंगा जमनी तहजीब हम उनके गुण गाते हैं, लेकिन मुगल बादशाहों ने किसी ने नहीं कहा कि ये भारत हमारा वतन है। उन्होंने कहा हमारा वतन सेंट्रल एशिया में है, और कितने उन्होंने युद्ध किए सेंट्रल एशिया का वतन जीतने के लिए और कितना पैसा बर्बाद किया, इसके बारे में हम नहीं बात करते। और हर साल वो तैमूर का मसोलियम समरकंद में था, वहाँ पर धन भेजते थे, लोग भेजते थे कि उसकी मरम्मत होती रहे और वो ठीक रहे। सो इतना डिस्टॉर्शन हुआ है कि मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। मुगल्स को इतना ग्लोरीफाई किया है, मैं ये नहीं कह रही कि राज में सिर्फ बुराइयाँ थीं, बट एटलीस्ट वी शुड नो, हाउ मेनी ऑफ अस नो कि भाई उनका वतन, उन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया में वतन है, हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। सो दीज आर फैक्ट्स दैट शुड बी ब्रॉट टू लाइट। बहुत एनलाइटनिंग, बहुत ही इंसाइटफुल ये आपके साथ डिस्कशन रहा मैम, और मुझे लगता है एज अ हिस्टोरियन इतना ज़्यादा ये जो पेंडोरा बॉक्स है ये ख़त्म नहीं होता, लाइक इट्स लाइक सो मच ऑफ नॉलेज इन इट, वन थिंग लीड्स टू अनदर, और इस पर इतना नॉलेज है कि आप एक एपिसोड तक या एक शो तक ये सीमित नहीं रह सकता। और एक लार्जर गुड के लिए मुझे लगता है कि पीपल शुड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक्स विच यू हैव रिटन। आपने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, उनमें बहुत कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर वो किताबें लिखी गई हैं, ज़रूर उन किताबों को पढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन हमारे स्क्रीन पे वो किताबें ज़रूर आपको दिखेंगी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।